अच्छा गाइस, पहले ना आप ये वीडियो देखो, मैंने कल रात को देखी थी, तो मुझे इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। ये एक लेडी ने वीडियो बनाई है फॉर दी वेजाइनल इन्फेक्शन ड्यू टू टॉयलेट्स, मिक्स टॉयलेट्स, जो यहाँ पे टॉयलेट सेपरेट्स नहीं होते ना, ड्यू टू दैट। तो इसने एक वीडियो बनाई है, ज़रा इसको देख लेना, फिर मैं इसके ऊपर एक सजेशन भी दूंगी और एक सिंपल सोल्यूशन भी दूंगी। सी दिस। हेलो एवरीवन, मैं आई थी मेडिकल शॉप में, पहले सोचा आपसे शेयर करूं ना करूं, बट बहुत जरूरी है। मतलब लड़के भी देखेंगे तो इट्स ओके, उनके घर में भी मम्मी है, बहने हैं, बीवी है। एक्चुअली ना मेरे को एक साल से यूरिन इन्फेक्शन फ्रिक्वेंट होता था, और मेरी लास्ट जॉब भी मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि जैसे वो सेमी गवर्नमेंट था तो वॉशरूम क्लीन नहीं होते थे, तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। तो मैंने अपनी गायनी से सजेस्ट किया, तो उन्होंने एक साल पहले ना मुझे ये वाला पाउडर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एब्जॉर्ब करके एक पाउडर है, ये लिख कर दिया मुझे। 140 के अराउंड आया ये, इतना कमाल का है मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक साल से टच वुड यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ। आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो या मेरे को तब भी हो जाता था, और बहुत सारी वजह होती थी जो हो जाता था, और फीवर भी चढ़ता था उसके बाद, तो बड़ा ही गंदा था। तो मेरी गायनी ने मुझे सजेस्ट किया आप इसको पैंटी में भी जैसे लगा के पहन लो, या फिर आप डायरेक्ट आप इसको यूज करो। तो बहुत अच्छा पाउडर है ये, टचवुड मेरा, मैं पता नहीं 8-10 बोतलें हो गई होंगी मेरी, ये बहुत सारी मैं यूज कर चुकी हूँ एक साल में। मुझे बहुत बहुत मतलब ट्रैवल फ्रेंडली, एक छोटा बैग भी आता है, मैं बैग में भी ले जाती हूँ, और बहुत कमाल का है। तो शर्माने की कोई बात नहीं है, होता है तो होता है यूरिन इन्फेक्शन, और चीजें होती है उनका इलाज भी है। और इसका DIY सबसे अच्छा, मेरी मम्मा जो बताते थे, जो हम लोग पहले करते थे जब हमें गायनी वगैरह के बारे में नहीं पता था, जब छोटे मतलब टीनएजर्स थे, तब कच्चे दूध से आप वॉश कर लो। नाउ इन दिस वीडियो शी इज सजेस्टिंग कि अगर लड़कियों को वजाइनल इशू है तो एक पाउडर आता है एब्जॉर्ब करके, वो आप स्प्रे कर सकते हैं अपने वजाइनल एरिया में। शी इज़ नॉट रॉन्ग, शी इज़ राइट, बट वो बॉक्स ना बहुत बड़ा होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मतलब मैं तो ये काम, मतलब एट द टाइम ऑफ कोरोना मैंने कोई भी सैनिटाइजर नहीं परचेज किया था, ट्रस्ट मी। मैंने ब्लैक वाला डिटॉल लिया था, और ब्लैक वाले डिटॉल से मैंने घर में सैनिटाइजर बनाया था। अब मैं इसका बहुत एब्जॉर्ब का एक लिक्विड सोल्यूशन बता रही हूँ, जो डिटॉल का बॉटल आता है उसका जो छोटा बॉटल का ढक्कन होता है, जो छोटा ढक्कन होता है ना, आपने एक स्प्रे की बॉटल लेनी, सपोज ये एक आपकी स्प्रे की बॉटल है, आपने सिर्फ इसका 1/8 या 1/10 आपने डिटॉल डालना है, और बाकी आपने पानी डालना है स्प्रे की बॉटल में, और आपने वो सोल्यूशन अच्छे से मिक्स करके अपने पास हर्ष में रखना है, और आपने अपने वजाइनल एरिया में भी स्प्रे करना है। ध्यान रहे डिटॉल ज़्यादा ना डालें, क्योंकि डिटॉल ना बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक होता है, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा डालेंगे आपको जलन होएगी। मगर ये बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है, और बहुत अच्छा DIY है फॉर द यूरिन इन्फेक्शन फॉर गर्ल्स। प्लस अगर आप किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं और आपको कुछ लगता है कि टॉयलेट साफ़ नहीं, कुछ भी नहीं है, आप ये बॉटल हर्ष में अपने साथ कैरी करके रखो, और आप सीट पे स्प्रे करो। अगर वहाँ पे टिश्यू पेपर्स नहीं हैं, हो सके तो अपने बैग्स में हर्ष में टिश्यू पेपर्स कैरी करो। मैं हर्ष में अपने बैग में ना टिश्यू पेपर्स कैरी करती ही करती हूँ, चाहे मैं लोकल ही क्यों ना ट्रैवल कर रही हूँ। बाहर आउटसाइड दिल्ली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब तो मैं टिश्यू पेपर कैरी करती ही करती हूँ, और अगर मैं लोकल भी ट्रैवल करती हूँ मैं अपने बैग में टिश्यू पेपर्स हर्ष में रखती हूँ, सैनिटाइज़र हर्ष में रखती हूँ ना, और एक हैंड वॉश या फेस वॉश का छोटा सा 10 रुपये का आता है कोई भी ले लो, वो मैं कैरी करती हूँ, या फिर जो पेपर सोप होते हैं वो मैं कैरी करती हूँ, है ना, क्योंकि हर जगह वाटर, मतलब हर जगह जो होता है ना सोप अवेलेबल नहीं रहते। टिश्यू पेपर, सोप, क्रीम हर समय अपने साथ कैरी करो, और डिटॉल का मिक्सचर सैनिटाइज़र कैरी करो। ये सबसे अच्छा DIY है, एब्जॉर्ब भी अच्छा, मगर मैं पाउडर इसलिए अभी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी यूज़ करा हुआ है, अच्छा है। अगर आपको इचिंग होती है ड्यू टू XYZ रीजंस, एनी रीज़न, है ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बट व्हेन आई स्विच्ड विद डिटॉल मिक्सचर आई वाज मोर हैप्पी टू यूज़ इट। तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लो अपने साथ लड़कियों, क्योंकि प्रिकॉशन से ही ज़िंदगी संभल सकती है। अगर आप निग्लेक्ट करोगे खुद की हेल्थ को तो भुगतना खुद को ही पड़ता है, और डॉक्टर्स के पास खुद को ही जाना पड़ता है, देन विद ऑल कंसल्टेशन फी, मेडिसिन एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड हेल्थ डिफिशेंसी, और बहुत कुछ हमें ही ना भुगतना पड़ता है। तो गर्ल्स को बहुत तरीके से ना प्रिकॉशंस लेनी ही लेनी पड़ती है। प्लस मैं ये भी बोल रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट गेट टैंगल्ड विद मल्टीपल पार्टनर्स,
और हर अच्छा देखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी की क्या फितरत है, किसी के बैक माइंड में क्या प्लान्स चल रहे हैं, यू नेवर नो। सो टेक टाइम विद दैट पर्सन ऑल्सो। दैट्स इट।